अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब फायरिस होंगे। यार आज की इस वीडियो में मैंने आपको मिड टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी टाइम से कह था मैं वीडियो बनाऊंगा, टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज टाइम मिला तो आप मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगा। हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिड टर्म एग्जाम स्प्रिंग 2024। सो द फर्स्ट थिंग इज़ के आपका सिलेबस जो है वो आपके एलएमएस में अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको टोटल 3 आएंगे, 2 करने हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको 3 आएंगे, उसमें से 2 करने हैं। एक एक को शॉर्ट, एक शॉर्ट में, एक लॉन्ग में चॉइस है। तो इसके बाद से जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको 22 MCQs आएंगे, ठीक है, जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 27 MCQs होंगे, 5 MCQs की सॉरी आपको चॉइस होगी, ठीक है, और टोटल 27 MCQs होंगे, 5 की चॉइस होगी और आपने करने सारे ही हैं। उसमें से जो है वो बेस्ट वाली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान कंसीडर करेगी, ठीक है। सो इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज, सॉरी सब्जेक्टिव में ये चेंजिंग है कि सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ठीक है ओके, टोटल आपका जो पेपर है वो 38 मार्क्स का होगा, ठीक है, और जिसमें 23 मई को आपका जो है वो एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। आपने डेट शीट बना ली होगी, जिसकी डेट शीट में अभी भी इशू आ रहा है, एग्ज़ाम सेंटर फिल आ रहा है, तो वो कोशिश करें किसी दूसरे सेंटर में अपने आप को बुक कराए, अदरवाइज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का VU सपोर्ट सिस्टम पे टिकट जनरेट करें, उनको ईमेल करें, कॉल करें, सेंटर विजिट करें, कुछ भी करें, लेकिन उसको ये काम करना पड़ेगा लाजमी, अगर उसकी अभी तक डेट शीट नहीं बनी तो। 60 मिनट्स का आपका पेपर होगा, यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर होगा, और जो मिड टर्म का पासिंग मार्क्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ कि 12 मार्क्स तकरीबन आपने 38 में से 12 मार्क्स लेंगे, आप लाइक 20% से अबव ही आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो आप जहन में ये रखेंगे आपने 12 मार्क्स लेने हैं, 12 से कम नहीं लेने, वैसे तो 12 से कम वाला भी पास है, लेकिन आप 12 जहन में रखें, 38 में से 12 मार्क्स इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप सिर्फ MCQs ही कर लेना है, क्विज 22 मार्क्स के क्विज़ हैं, तो 22 में से आप 12 नंबर नहीं ले सकते क्विज़ में, ले सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी हो आप और सोच सकते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव भी है, आप फेल कभी भी नहीं होंगे। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली, आपको फेल होने से मतलब आप फेल हो ही नहीं सकते। तो मिड टर्म का जो वेटेज है वो आपका 30% है, 20-30% आपका वेटेज है, जो कि आपके फाइनल टर्म में ऐड किया जाएगा। इसी तरह फाइनल टर्म का जो वेटेज है वो 60% है, और बाकी जो 10% रह जाता है वो आपके असाइनमेंट GDBs और क्विज़ का आ जाता है। मतलब कि असाइनमेंट GDBs क्विज़ का 10-20% वेटेज है ओवरऑल आपके एग्जामिनेशन सिस्टम में, और मिड टर्म का 20-30% है, और फाइनल टर्म का 60% है। इस तरह आपकी 100% पूरी हो जाती है। तो MCQs का मैं आपको बताता हूं, MCQs जो कंप्यूटर साइंसेज वाले स्टूडेंट है, वो जुनेद इंस्टीट्यूट की फाइल्स या कोई भी उसको फाइल मिलती है, ज़रूरी नहीं है जुनेद की हो, क्योंकि मुझे उन फाइल से थोड़ा फ़ायदा हुआ है। CS के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो लाजमी करें मिड टर्म के पास। CS वाले स्टूडेंट्स, CS 101 का बहुत कम आता है पास पेपर्स में से, क्योंकि उसका थ्योरेटिकल थोड़ा पोर्शन ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि हैंडर्स को भी लाजमी टच किया करें, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पेपर मिड टर्म के पास पेपर्स में से ही आए, लेकिन अब तक तो आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी आएगा मिड टर्म के पास पेपर्स में से। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनका जो डेली रूटीन के क्विज़ होते हैं ना, उसमें CS के भी स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं। डेली रूटीन के जो क्विज़ होते हैं ना, वो अक्सर यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पे वीडियो उनकी अपलोड की हुई होती है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं और उन क्विज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम्स, ठीक है। इसी तरह सब्जेक्टिव जो है CS के स्टूडेंट्स का, CS 506 जो सब्जेक्ट है वेब डेवलपमेंट का, उसका सब्जेक्टिव जो है वो पास पेपर्स में से रिपीट होता है, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका पास पेपर्स में से आई डोंट थिंक सो आज तक कभी भी रिपीट हुआ हो, मेरा नहीं ख्याल के हुआ है कभी भी रिपीट, एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ होगा। तो सब्जेक्टिव जो है वो आपको खुद तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको हैंड आउट्स रीड आउट करने पड़ेंगे। हाँ, जिस लड़के की तैयारी नहीं है ना, अभी जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी की तैयारी नहीं है क्योंकि टाइम कम रह गया, 6 दिन है आपके पास, आपने तैयारी करनी है, तो मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा कि वो अपने MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो जल्दी हो सके रेडी कर ले, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं अदर देन CS के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, MBA वाले हैं या मास्टर्स इन कम्युनिकेशन वाले हैं, कोई भी हैं मैथ्स कम्युनिकेशन वाले हैं, तो वो पास्ट पेपर्स भी रीड आउट करें, कंसेप्ट देखें कि किस किस्म के MCQs आते हैं, और अपने हैंड आउट्स को भी रीड आउट करें। हैंड आउट्स में हैंडर्स को एटलीस्ट 3-4-5 मरतबा रीड आउट कर लें, 18 तो लेक्चर्स हैं टोटल,
और उसमें से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे किस किस्म का आपका एमसीक्यूज आएगा। डेफिनेशंस वाली जो लाइंस है वो याद कर लें, जैसे नहीं होता इज कॉल्ड दिस, इज कॉल्ड दिस, इज कॉल्ड दिस, वो वाली चीज़ें याद कर लें। टाइप्स होती हैं काफ़ी चीज़ों की, टाइप्स याद कर लें, ठीक है, कितनी टाइप्स हैं ये याद कर लें। जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनको फार्मूलाज लाजमी आने चाहिए, MTH वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मूलाज अपने याद कर लें, उनका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। मैथ का इजी होता है पेपर, लेकिन आपको आपका बैकएंड में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे पूरे हैंड आउट्स पूरी पूरी एक्सरसाइजेस करनी है, तो सब्जेक्टिव आपका इस तरह रेडी हो जाएगा। सब्जेक्टिव में आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि पेपर पेपर सब्जेक्टिव का कभी भी खाली नहीं छोड़ना, चाहे आपको नहीं आता ना, आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आएँ। खाली छोड़ेंगे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। अगर आप पेपर में देखें चार क्वेश्चंस आपने करने हैं सब्जेक्टिव में के पांच हैं, तो एक अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिख आते हैं एक एक, एक नंबर तो आएगा ना, तो चार पांच नंबर आपके सब्जेक्टिव में से आ जाएंगे। तो बेटर नहीं है कि 0 नंबर सब्जेक्टिव में लेने के बजाय आप 5 नंबर ले लें, कुछ ना कुछ लिख के आ जाएं। आपको नहीं भी आता ना, थोड़ा बहुत रेलिवेंट, यार इंसान का इतना अल्लाह ताला ने दिमाग दिया होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को उठा के ऊपर से नीचे लिख दो, आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट लिख दो। तभी मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अपने ना जितने भी हैंड आउट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 18 लेसन आ रहे हैं, तो लेसन का टॉपिक उठाएँ, टॉपिक देखें, जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है लेसन 1, उसके बारे में सर्च करें ये चीज़ क्या है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, आपका उसका अंदर की इंची बिंची पता चल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका लेसन होगा वो हो सकता है डेटाबेस का हो, या डाटा स्ट्रक्चर्स का हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम का हो। तो लेसन के जो टॉपिक है ना, लेसन लेसन नेम, उसको समझ लेंगे उसके अंदर क्या चीज़ है। तो आपका इंशाल्लाह सब्जेक्टिव जो है एटलीस्ट आप एक एक नंबर हर क्वेश्चन में ईजिली ले लेंगे। और जो आपके प्री असेसमेंट प्री पोस्ट असेसमेंट कुछ चीज़ें हैं वो भी लाजमी तैयार करें, उसमें से भी MCQs 3-4 उसमें से भी रिपीट होते हैं, और पास्ट पेपर्स में से भी 3-4 CS के कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। और जो आपके डेली रूटीन के क्विज़ हैं ना, जो आपके क्विज़ 1 और क्विज़ 2 आए हैं मिड टर्म से पहले वाले, उसकी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पे भी अपलोड की हुई है, चाहे वो इस दफ़ा की यूट्यूब में अपलोड हुई हुई है या चाहे पुराने ईयर्स की है। आपने पुराने ईयर्स से लेकर जितनी भी वीडियोज़ पढ़ी हैं वो आपने आज तक ही देखनी है, उसमें आंसर्स भी लगे हुए होते हैं, यूट्यूबर्स ने बताए हुए होते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो MCQs अगर आप सिर्फ रेडी कर लेना तो आप इजीली पास हो जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपकी तैयारी भी नहीं है, आप सिर्फ MCQs को ही तैयार करें और सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट ले रहे हैं कि इस चैप्टर में बताया क्या हुआ है, उससे रिलेवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन आ गया ना सब्जेक्टिव का, तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो आपने पढ़ना टेंशन फ्री हो गया, आप सबसे पहले देखें कि आप फेल हो ही नहीं सकते यार, मतलब मैं क्या करूं यार, द्वार के साथ सार मारूं अपना। 12 नंबर आपने टोटल लेने हैं, 38 में से 12 नंबर, 12 से भी लेने कम ही है, मतलब 8-10 नंबर ही लेने हैं, लेकिन मैं 12 से जैसे बता रहा हूँ यार, कुछ तो नंबर लो ना यार, कुछ तो खुदा खौफी करो। 20% आपने टोटल नंबर लेने हैं, 8 के 10 नंबर बनते हैं, लेकिन आपने 12 लेने हैं, तो यार 12 नंबर लेने हैं, मान जाओ ना बात मेरी। तो प्री असेसमेंट पोस्ट असेसमेंट का बता दिया है, क्विजेस की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है ये बता दिया है, हैंड आउट्स रीड आउट करने हैं, शॉर्ट लेक्चर्स अगर आपको मिलते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के, यूट्यूब में मुझे नहीं कोई अभी तक कोई, हाँ STA 301 जो सब्जेक्ट है उसके शॉर्ट लेक्चर्स थोड़े अच्छे हैं, बाकी मुझे अभी तक कोई भी शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब पर अच्छे नहीं लगे। इंडियन यूट्यूबर्स हैं, आप टॉपिक सर्च कर सकते हैं, इंडियन यूट्यूबर्स आपको पाकिस्तानियों से अच्छा एटलीस्ट समझा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और वीडियोस में इंशाल्लाह मिड टर्म के प्रिपरेशन से रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा। और हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।